तो हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है वो होने वाली है ये जो पल्सर गाड़ी के जो स्विच आते हैं इनको चेक करने के बारे में। इनकी हालत देख के पता लग रहा होगा कि मैं इनको सेकंड हैंड लाया हूँ। ये थोड़ा यहाँ से टूटा हुआ भी है, बाकी ये सब ठीक है। फिर मैंने इनको चेक कर लिया है, पुराने होने की वजह से थोड़े लूज़ हैं लेकिन काम चला रहे हैं ये। अगर इनको गाड़ी में लगा दो तो काम करेंगे प्रॉपरली। मैंने इनकी थोड़ी सर्विसिंग करी है जिसके बाद इनकी जो साउंड है वो काफ़ी अच्छी आ रही है। और सारे स्विचेस को भी हमें चेक करना है कौन सा चालू है कौन सा बंद है। तो शुरू करते हैं सेल्फ वाली साइड से, अभी इसको बाद में चेक करेंगे। इसमें ज़्यादा वायर है जैसा कि देख सकते हैं, पूरा उलझा हुआ है, तो इसको भी अलग रखते हैं। और चेक करने के लिए मल्टीमीटर मेरा ख़राब हो गया तो अपन इसको इस LED वाले मेथड से चेक करेंगे। तो इसकी ये जो नीचे वाली LED वो चालू है, LED शॉर्ट आ गई, तो ध्यान रखना बस ये वाली जलेगी, बाकी ये दो जलने नहीं वाली है। तो इसके अंदर जो वायरिंग रहती है उसका सेटअप कुछ ऐसा है कि एक तो ये ब्राउन वाला जो है उसमें हमेशा पॉजिटिव प्लस रहना ही चाहिए, और एक ये ब्लैक वाला जो है कांगिया ये वाला, इसके अंदर हमेशा माइनस रहेगा। इनको तो एक बार बैटरी से कनेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ प्लस दे रहे हैं तो उसको भी प्लस दे देंगे, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को प्लस हमेशा चाहिए ही चाहिएगा पूरे टाइम जब हम इसको चेक करेंगे। और ये इसको इससे कनेक्ट करना है बैटरी से, ब्लैक वाला है ये हमारा जो माइनस का पॉइंट है उसको माइनस के पॉइंट में कनेक्ट करना है। एक बार मैं चेक करके बता देता हूँ कि LED चालू है, जैसा कि देख सकते हैं इसमें एक पॉइंट जलेगा नीचे का, बाकी सब बंद है, ठीक है। तो उसको लगाता हूँ अभी मैं माइनस में, ये हो गया इसका कनेक्शन ऑन। अभी सबसे पहले जो ये बटन लगाते हैं लोग उसकी जो वजह होती है वो है ये लाइटें। सबसे पहले अपन चेक करेंगे इन लाइटों को, मैं फ्लैश लाइट बंद करता हूँ। पहले इसको मैं चेक कर देता हूँ कि इस लाइटों का वायर कौन सा है। यहाँ पे ना एक पिंक कलर का वायर है ये वाला, ये जो पिंक कलर का वायर है वो इन लाइट्स का है। तो ये देखो, इसको जैसे ही हम ये LED में लगाएंगे तो ये लाइट जल जाएगी यहाँ की, जैसा कि देख सकते हैं। वह फ्लैश बंद करके दिखाता हूँ, ये देखो अभी जो ये फुल ब्राइटनेस के साथ लाइट जल रही है। इसका जो लुक है वो बड़ा शानदार लग रहा है। सबसे पहले तो ये लाइटें चालू हैं गाड़ी की, ठीक है। ये हो गया पिंक वायर लाइटों का। अब एक काम करते हैं, इसको अंदर कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ ही, ताकि ये लाइटें हमेशा जलती रहेंगी जब तक हम इसको चेक करेंगे। अब बचते हैं ये वाले वायर जो कि ये वाले वायर हैं जो बचते हैं अब सारे, तो इनको चेक करते हैं। सबसे पहले तो ये दो वायर हैं इसमें, एक ये केसरिया कलर का और एक ये लाल सफ़ेद पे लाल लाइन वाला, इन दोनों को साइड में रखना है। इनको अपन लास्ट में चेक करेंगे, इनका अलग फंडा है वो मैं समझा दूँगा। अब बचते हैं ये तीन वायर, तीन में से ये जो पर्पल है मुझे पता है कि सेल्फ का वायर, तो इसको भी साइड में रखते हैं। अब बचते हैं ये दो वायर, ये जो दो वायर हैं इनको, ये रेड वाले को इसमें लगाया और ये लाइट क्या मुझे मालूम है, लेकिन आपको चेक करना है तो ऐसे चेक करना है, किसी वायर को इसमें लगाया और ये बटन ऑन किया तो लाइट जल गई। जैसा कि देख सकते हैं ये एक आगे खिसका था ही पार्किंग ऑन हो रही है। अब वायर आती है ये पीले वाले वायर की, तो इसको लगाते हैं। और ये पार्किंग नहीं है, ये फुल बीम है हमारा, जो हेडलाइट ऑन होती है ना हेडलाइट, उसका वायर है। तो जैसे ही हम इसको बंद करते हैं ये पार्किंग पे आती है, ये हेडलाइट ऑफ हो गई और ये हेडलाइट ऑन हो गई, ठीक है। हेडलाइट और पार्किंग दोनों हैं। अब बचते हैं ये वाले वायर, अब इसको जो है इसके साथ कनेक्ट करना है सेल्फ को चेक करने के लिए। तो ये जो है इसके साथ कनेक्ट हो गया, लेकिन इसमें एक ट्रिक है। अब जैसे मैं इस बटन को दबाऊंगा ना तो अभी सेल्फ काम करेगा नहीं, ये मैं दबा रहा हूँ सेल्फ का बटन पर ये चल नहीं रहा। इसको चलाने के लिए हमें इसमें से ये जो, इसके बाद जो ये केसरिया वाला वायर है इसको हमें यहाँ पे प्लस में देना है, जिसके बाद ये किल स्विच के साथ चलेगा। अभी किल स्विच ऑन है ना तो ये सेल्फ काम कर रहा है, करंट जा रहा है, और ये किल स्विच ऑफ कर दिया इसमें, जैसे देख सकते हैं ये ऑफ का निशान इधर है और अब ये लाइट नहीं जल रही है, और जैसे ही ऑन करेंगे तो ये लाइट जल जाएगी। अभी मैं दिखा देता हूँ कि मैंने सेल्फ का बटन दबा रखा है और साथ में ये करंट गया और ये चालू हो गया, ये बंद
अरे चलो ना, किल स्विच से हमारा जो सेल्फ की वायरिंग है वो भी अच्छे से काम करने लगी है। तो ये ऑफ कर दिया और ये सब लाइटें वाइटें, मतलब कुल मिला के इसके जितने भी फंक्शन है वो सब अच्छे से चल रहे हैं। ठीक है, अब इसको डिसकनेक्ट करता हूँ मैं और दूसरे वाले को लगाने के बारे में आपको बताता हूँ। तो गाइस दूसरे वाली साइड को बताने के बाद अंबर आती है इस वाली साइड की। जब मैं इसको लाया था तो इसका ये वाला जो बटन है वो टूटा हुआ था, बाकी ये तो ठीक है, इसमें वो बीच में दबाने वाला सिस्टम नहीं है। इसकी जो स्प्रिंग है वो अभी मेरे को मिली नहीं है, मैं इसको बाद में बना दूंगा गाड़ी पे लगाने से पहले। जो पासिंग स्विच है तो ये ढीला पड़ा है अभी, तो इसमें जो है इसको पूरा खोल के देखना, क्योंकि मैं भी पहले कन्फ्यूज़ हो रहा था, लेकिन उसके बाद जब मैंने इसको सही से खोल के देखा तो पता चला इसके अंदर जो सारे ब्लैक वायर हैं वो सभी माइनस की तरफ जाएंगे। तो सभी ब्लैक वायर को जोड़ के अच्छी तरह से और इधर लगा देंगे माइनस में, ये माइनस में लग जाएंगे सारे ब्लैक वायर। ठीक है, और इसमें भी जो एक ब्राउन है वही प्लस की तरफ जाएगा। तो ये जो वायर है हमारा ब्राउन वाला, इसको फिर इसके साथ में एलईडी के साथ में अच्छे से जोड़ के और प्लस में दे देना है। इसका ध्यान रखना है एक दोनों आपस में नहीं मिल जाए, तो इसको इधर खींच देते हैं ब्लैक वालों को। अब जैसे कि मैं आपको बताऊँ इसके अंदर भी लाइट्स लगी हुई हैं अंदर, जो कि इससे जलेगा तो इसको जरूरत दो। अब इसके अंदर भी लाइटें लगी हुई हैं यहाँ पे और ये हॉल में, इसको जैसे इससे अटैच करेंगे तो ये सारी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो पिंक वाला वायर है यहाँ पे भी ये वायर लाइट्स का है। अब इसको डायरेक्ट लगाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ब्राइट जलेंगी लाइट। फ्लैश लाइट बंद करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो अब वायरिंग कर लेते हैं बाकी चीज़ों की। ये पिंक वाला वायर है जो तो हो गया अपने लाइट्स का, इसको साइड में कर देंगे। और फिर ये कोई सा वायर है एक अजीब से कलर का, अजीब सा इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से पीला है, यहाँ से केसरिया है, यहाँ से फिर पीला है, तो पता नहीं ये दो कलर का मिक्स वायर है। अब इसको एलईडी में लगाएंगे और कुछ चला के देखते हैं कि क्या है ये। अच्छा, तो ये है इसका हॉर्न का वायर है, ये हॉर्न दबाने पर लाइट जलती है। दबा रखो चालू रहेगी, छोड़ दो बंद हो जाएगी। ये इसके हॉर्न का वायर है। और जो ये है इसका पास, इसको इसमें लगा के देख लेते हैं। तो ये इसके पासिंग का वायर है दरअसल, ये देखो ये छोड़ते ही चिपक जाएगा जाके और लाइट जल जाएगी, इसलिए पासिंग हमेशा ऑन रहती है। इसमें स्प्रिंग डालनी पड़ेगी एक, तो ये इसकी पासिंग का है। इसको भी पीछे कर दो। जो इधर बच रहे हैं उनमें से एक ही रेड वाला, अब रेड वाला लगाते हैं। तो ये है रेड वाला इसके लो बीम का, ये लो बीम करेंगे तो रेड वाले में करंट आएगा, हाई बीम पे करके चला जाएगा। लो बीम करा तो इसमें करंट आया, हाई बीम किया तो गया, लो बीम पे ऑन हाई बीम पे ऑन। ठीक है, रेड वाला भी गया। अब बचे दो, हरा और ग्रे कलर का वायर। ये हरे वाला जो है आई थिंक ये अब इंडिकेटर होंगे, ये इधर का नहीं है इधर का। जैसे ही हम इंडिकेटर को लेफ्ट की तरफ रखते हैं ऐसे, तो वो लाइट वहाँ पर जल रही है। ठीक है, ये जो वायर है ये इंडिकेटर उधर करने पे जल रहा है, जैसा कि देख सकते हैं। और जो मेरा इसको लेके आने का पर्पस था वो ये अच्छे से पूरा कर रहा है, जैसा कि देख सकते हैं इसमें जो लाइट्स हैं वो अच्छी जल रही हैं। इसको मैं अपनी पैशन प्रो में लगाने वाला हूँ और उसकी वीडियो जल्दी आएगी। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी मैं वो वाली वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखें। आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल ZPLX को।